कानून कैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से उनका दुरुपयोग हो रहा है, किस तरीके से कानून के दुरुपयोग की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, फैमिली खत्म हो रही है, सुसाइड हो रहे हैं। पिछले 10-15 साल की जो मेल सुसाइड का रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है, आज की डेट में हर 5 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है। और सुसाइड की जो सबसे बड़ी वजह है वो है फैमिली प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक इश्यूज। लेकिन ना सरकार इस तरफ देख रही है, ना जुडिशरी इस तरफ देख रही है। एक के बाद एक नए कानून लाए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पे। महिला के जो एनजीओज हैं, जो WCD के अंडर एनजीओज आते हैं, जो फेमिनिस्ट एनजीओज हैं, उनका पूरा दबाव बना हुआ है। काफी हद तक मीडिया भी टेंटेड है, बिकॉज उनको ये जो साइड है, ये जो दूसरा रुख है वो नहीं कोई बताता। तो इस प्रेशर में आके कानून बनाए जा रहे हैं। और एक नया कानून जिसके ऊपर चर्चा हो रही है पिछले काफी समय से, जनवरी से तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि मैरिटल रेप का कानून लाया जाए, क्योंकि जो भारत में रेप के कानून है उसमें एक्सेप्शन दिया गया है जहां पे जो वाइफ है वो हस्बैंड के अगेंस्ट एक रेप का केस नहीं लगा सकती। अभी तक हम देख रहे हैं कि रेप के कानून का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, कैसे इनफैक्ट हस्बैंड जो लिविंग रिलेशनशिप के केसेस हैं, जहां पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केसेस हैं, जहां पर बहुत सारे इलोपमेंट के केसेस हैं, जहां पर आपसी रजामंदी से संबंध बनाए जाते हैं, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है वहां पर जाके कंप्लीट करवा दी जाती है कि ये रेप था, मेरा कंसेंट नहीं था। हस्बैंड की कोई आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप में हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी केस हो, आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ एक स्टेटमेंट के बिना पर FIR कर दी जाती है, एक स्टेटमेंट के बिना पर आदमी को अरेस्ट कर दिया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और महीनों तक आदमी जेल में रहता है, सालों साल तक केस चलता है, सोसाइटी में एक धब्बा लग जाता है कि एक रेपिस्ट है, सोसाइटी में कह दिया जाता है कि ये रेपिस्ट है, ये रेपिस्ट की फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसकी इज्जत, उसकी नौकरी, उसका पैसा सब बर्बाद हो जाता है। और सालों साल केस लड़ने के बाद कहा जाता है कि आपको बरी किया जाता है ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट। कोई उस आदमी से नहीं पूछता कि क्या तेरा केस झूठा था सच्चा था, कोई उसको उसकी नौकरी वापस नहीं देता, कोई उसको उसकी डिग्निटी वापस नहीं देता, और वो सारी जिंदगी एक स्टिग्मा के साथ अपनी जिंदगी जीता है। आज ये जो कानून के बारे में बात हो रही है, मैरिटल रेप के कानून में, इसमें भी जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो महिला एनजीओज हैं, वो वही रेप का जो टैग है एक हस्बैंड पे लगाना चाह रही हैं। इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में ये PIL चल रही है, इस तरीके से कहा जा रहा है जैसे कि भारत में हर घर घर में एक हस्बैंड सारा दिन काम करके आता है, मेहनत करता है, रोटी कमाता है, और रात को आके हस्बैंड पत्नी का रेप करता है। इस तरह से एक पिक्चर दिखाई जा रही है दैट ऑलमोस्ट एवरी अदर हस्बैंड इज अ रेपिस्ट। और इस तरीके से एक पिक्चर दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है, कोर्ट में भी जिस तरीके से आर्गुमेंट चल रहे हैं, जैसे कि हस्बैंड को एक लाइसेंस दिया गया है इस कानून के तहत कि आप जाइए और फोर्सफुल सेक्स करिए, आप जाइए अपनी पत्नी का रेप कीजिए। इस तरीके से गलत तरीके से फैक्ट्स को छुपा के एक पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है और कहा जा रहा है कि मैरिटल रेप का कानून लाया जाए। देखिए, कोई भी पहली बात तो ये कि दुनिया भर में इस तरीके के इश्यू को एड्रेस किया जाता है स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस में। रेप का जो शब्द है वो एक मैरिज राइट रिलेशनशिप में नहीं यूज किया जाता, स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस बोला जाता है। और जहां तक कि स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस है वो हो सकता है पति के साथ भी हो सकता है, पत्नी के साथ भी हो सकता है। स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस स्पेशली एक ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्शन एक्ट, जहां पर किसी भी एक पार्टी की कंसेंट ना हो, अनुमति ना हो, ऐसे किया गया हो। कभी कभी हस्बैंड की अनुमति नहीं होती, कभी कभी हस्बैंड का कंसेंट नहीं होता, और कभी हो सकता है वाइफ का कंसेंट ना हो, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन क्या कानून ऐसा बनाया जाए जहां पर अगर हस्बैंड प्रताड़ित है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, और महिला प्रताड़ित है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट के बिना पे उसको रेपिस्ट बोल दिया जाएगा,
उसकी फैमिली को भी कह दिया जाएगा कि ये भी पार्टी है, क्या इस तरह का कानून कोई फेयरनेस लाएगा सोसाइटी में? जबकि हम ये कह रहे हैं कि ऐसे कानून ऑलरेडी मौजूद है कि अगर एक पत्नी के साथ कोई प्रताड़ना होती है किसी भी तरह की, चाहे वो इकोनॉमिकल वायलेंस हो, सेक्सुअल वायलेंस हो, क्रूएल्टी हो, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे जो कानून बनाने वाले हैं या हमारी जो सरकार है वो आंखें बंद करके बैठी है और उन्होंने कुछ नहीं किया। बोला ही जा रहा है कि महिला के साथ जब एक पत्नी के साथ होता है तो सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है और आपने कुछ नहीं किया। ये नहीं बताया जा रहा कि 498A जिसमें 3 साल की सजा है, जिसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रूएल्टी शामिल है, वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जहां पर एक एक इस तरह के ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, जहां पर अगर पत्नी कह दे कि ये इस कमरे में या इस घर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और उसके वायलेशन पे उसको 1 साल की सजा हो सकती है, जहां पर उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकते हैं, मेडिकल बेनिफिट मिल सकते हैं, शेल्टर होम मिल सकता है, फ्री लीगल एड मिल सकती है। इस तरह का कानून है, 377 अननेचुरल एक्ट का कानून है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून ऑलरेडी है, लेकिन एक और कानून चाहिए जिसका वृहद दुरुपयोग हो सके, जिसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सके कि जब एक शादी नहीं चल रही है तो एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सके जो कि हस्बैंड को डिस्ट्रॉय कर दे। इफ द वाइफ डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द मैरिज रिलेशनशिप, शी कैन सिंपली गो अहेड एंड से दैट आई वाज रेप्ड 10 इयर्स बैक 20 इयर्स बैक, क्योंकि हमारे रेप के कानून में कोई भी इस तरह का लिमिटेशन नहीं है जैसे कि बाहर की कंट्रीज के कानून में लिमिटेशन है कि आप सिर्फ 30 दिन के अंदर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं या एक साल के अंदर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां पे ग्रेडेड ऑफेंसेस हैं कि इस तरह से, और वहां पर अगर ये पाया जाता है कि झूठा केस था तो वहां पर महिलाओं को सजा हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं जेलों में है, यहां पर महिलाओं को कहा जाता है चलो आपको माफ करते हैं, चलो 500 रुपए का जुर्माना माफ। आदमी की पूरी जिंदगी खराब हो गई, उसके साल पूरे जेल में चले गए, उसकी नौकरी चली गई, उसकी मान मर्यादा चली गई, उसके लिए महिला ने जो झूठा केस किया उसको बरी कर दिया जाता है कि चलो आप कोर्ट के बाहर 2 घंटे खड़े रहिए आपकी सजा पूरी हो गई। सो झूठा केस करने की इंडिया में कोई सजा नहीं है। झूठा केस ऐसे किया जाता है जैसे पिज्जा ऑर्डर किया जाता है। तो ये एक PIL लगाई गई है जो कि 2015 में, मैं आपको PIL की जर्नी बताऊंगा, 2014 में एक अनेश कुमार की जजमेंट आई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि 498A और इस तरह के ऑफेंसेस जिसमें कि 7 साल से कम की सजा है, जब भी कोई कंप्लेंट होगी तो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा। उससे पहले क्या होता था कि मैरिटल, जब भी मैरिटल डिस्कॉर्ड होती थी, जब भी एक पति पत्नी में विवाद होता था 498A लगा दिया जाता था और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स को अंदर कर दिया जाता था। 41A CRPC की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्गली बोला था कि ये बंद करिए, हस्बैंड्स को बिल्कुल ही आप ऐसे एक बिना इन्वेस्टिगेशन के, एक कंप्लेंट के बिना पे उसके माँ बाप को आप अंदर कर देते हैं, उसके भाई बहनों को अंदर कर देते हैं, हस्बैंड को अंदर कर देते हैं, इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। तो जब दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली, जब दुरुपयोग रुकेगा तो एक्सटॉर्शन भी रुकेगा, जब दुरुपयोग रुकेगा तो आप कैसे किसी को ब्लैकमेल करेंगे कि भैया पैसे दो नहीं तो अंदर करवा देंगे। पहले ये होता था कि शादी नहीं चल रही, पैसे दो नहीं तो सबको अंदर करा देंगे, और आदमी चाहे अपनी जमीन जायदाद बेच के पैसे देता था अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते थे, पैसों का लेन देन होता था, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अनेश कुमार की जजमेंट में स्ट्रॉन्ग कमेंट्स दिए तो तब से ये प्लानिंग शुरू हो गई कि अब कौन सा नया कानून लाया जाए जिससे कि ये एक्सटॉर्शन, ये ब्लैकमेलिंग, ये कैशिंग इन फ्रॉम फेल रिलेशनशिप, फेल मैरिज दोबारा से शुरू किया जाए। वहां से कवायद शुरू होती है ये PIL की। 2015 में कुछ NGOs जो कि फॉरेन फंडेड NGOs हैं, एक इनमें से एक NGO है RIT फाउंडेशन, एक AIDW है, और कुछ लॉयर्स हैं जो कि इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अलग से कंप्लेंट एक PIL फाइल की खुशबू सैफी के नाम से, और इस तरह के 3-4 PIL 2015 में, कह रहे हैं तो डेट्स 2015 में ये PIL
फाइल की 7 जनवरी 2015 को पीआईएल फाइल की गई और कहा गया कि हस्बैंड अगर पत्नी का रेप करता है तो उसको क्यों नहीं रेपिस मारा जाता, और वही सब चीजें जो मैंने आपको बताई कि दूसरी कंट्रीज में ये है और हर घर घर में इतने परसेंट घरों में इस तरह का रेप हो रहा है, हमने ये इन्वेस्टिगेशन करी है, ये इस तरीके के हमने सर्वेस किए हैं, सारे मैनिपुलेटेड सर्वेस वगैरह को लेकर इस तरह की पीआईएल लगाई गई। और आज तक ये होता था कि जब भी इस तरह की कोई पीआईएल फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगाती थी अमूमन तौर पर उस तरह का कानून आ जाता था और उस तरह की या गाइडलाइंस आ जाती थी या गवर्नमेंट को एक इंस्ट्रक्शन दे दी जाती थी कि आप इस तरह का कानून बनाइए। तो इस बार भी यही था कि हम पीआईएल लगाएंगे और एक नया कानून आ जाएगा जहां पर जो रेप कानून में जो एक्सेप्शन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और अगले दिन से ये होगा कि जब भी डिस्प्यूट हुआ पति पत्नी में पत्नी जाके कह सकती है 10 साल पहले मेरा रेप हुआ था, 15 साल पहले मेरा रेप हुआ था, 20 साल पहले मेरा रेप हुआ था, पूरा जो ये जो रेप का लॉ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा हस्बैंड पे। ये जो पीआईएल था पहले डिस्मिस कर दिया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह का एक मैटर चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर चल रहा था वो एक्चुअली एज ऑफ कंसेंट के ऊपर था, वो इससे थोड़ा सा अलग था, तो दोबारा से इस पीआईएल को रिवाइव किया गया 18/9/2015 को और ये दोबारा से पीआईएल गई, इसको एक्सेप्टेंस मिली। उस टाइम के जो ऑनरेबल हमारे ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल एंड जस्टिस ऑनरेबल श्री हरिशंकर की जो बेंच थी उन्होंने ये पीआईएल को टेकअप किया। उस बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया को और दिल्ली गवर्नमेंट को नोटिस भेजे कि भाई इस तरह की बात हो रही है, आप आके अपना पक्ष रखिए। और उस समय 2-3 अलग अलग ये जो पीआईएल थी, 2-3 अलग अलग मैटर्स थे वो उनको क्लब कर दिया गया एक पीआईएल। इस दौरान हम लोग भी इसको वॉच कर रहे थे, जैसे कि आपको स्वरूप जी ने भी बताया था कि हमारी जर्नी 2015 से शुरू हो गई थी मूवमेंट की, हम लोग वॉच कर रहे थे कि पहले भी सेक्शुअल हैरासमेंट का कानून आया था तब भी हमने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, जब ये कानून आया तो हमें लगा कि भाई ये वाला कानून अगर इस तरीके से लाया जाता है जिस तरीके से ये लाने की कोशिश कर रहे हैं तब तो इट विल बी लाइक डिजास्टर, इट विल बी अ डिजास्टर इन द जेंडर डिस्कोर्स, मतलब कानून का दुरुपयोग तो एक चीज है, सुसाइड मैरिटल जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, सुसाइड रेट है, इसके मल्टीपल परिणाम होंगे और बहुत दुष्परिणाम होंगे। उस वक्त हमारी एनजीओ ने ये शुरू किया कि हम लोग इस पीआईएल में इंटरवेंशन करेंगे और उस समय पे हृदय हमारी एक एनजीओ है कोलकाता में 23 मार्च 2016 में एक एडवोकेट है एडवोकेट कपूर के थ्रू हृदय जो हमारी एनजीओ है जिनको वासिफ भाई भी रिप्रेजेंट कर रहे थे उस एनजीओ की तरफ से हमने एक इंटरवेंशन फाइल की जो कि शायद पहली बार इंडियन हिस्ट्री में था कि कानून बनाया जा रहा है और पुरुष की कोई एनजीओ कोर्ट में गई और उन्होंने बोला है कि हमारी भी बात सुनी है। उसके बाद हमारी जो दिल्ली की एनजीओ है मेन वेलफेयर ट्रस्ट, उन्होंने पार्टी पर्सन जिसमें कि मैं और मेरे कलीग है ऋत्विक बसारिया, हम लोग पार्टी पर्सन गए, हम लोगों ने कोर्ट में जाके जज के सामने, जज साहब के सामने पूरी बात रखी कि किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से सुसाइड बढ़ रहे हैं, किस तरीके से कानून जो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं परिवारों का विघटन हो रहा है, हमने ये सारी बात इन पर्सन जज साहब के सामने रखी और हमने बोला कि हम भी क्योंकि वहां उस पक्ष में आप ये बता रहे हैं कि किस तरह से वाइफ के लिए जरूरी है, हम अपना पक्ष रख के बताना चाहते हैं किस तरह पुरुषों के जो राइट्स हैं उसको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ा जाए। और हमारी दूसरी इंटरवेंशन फाइल होती है 28/8/2017 को जो कि कोर्ट अलाउ करता है और पार्टी पर्सन अलाउ करता है। दैट वाज अगेन अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस कि हम लोग अब कोर्ट में है और हम लोगों की बात भी सुनी जाएगी। एंड जब हम लोगों ने ये सब स्टेप्स उठाए तो बहुत ज्यादा उथल पथल मच गई थी दूसरी तरफ में कि ये कैसे हो गया, आज तक तो ये लोग धरना करते थे, अपनी वीकली मीटिंग्स करते थे, पुरुषों की मदद करते थे लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में ये लोग नहीं आगे आते थे, आज ऐसा कैसे हो गया कि कोर्ट में कानून के बारे में बात हो रही है और ये लोग भी आ गए। तो काफी अनरेस्ट हुआ था फेमिनिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसके बीच में, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हमारी पिटीशन फाइल करते ही थोड़े दिन के बाद एक और पिटीशन आ जाती है जिसमें एक फोरम फॉर मेन नाम की एक एनजीओ को डाल दिया जाता है ये कहकर कि ये देखिए असली आदमी तो ये है जो आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये कानून लाया जाए, तो एक ऐसी एनजीओ को प्लांट कर दिया जाता है
ये दिखाने के लिए कि दीज आर मेन हु आर सपोर्टिंग दिस लॉ. तो इतना ज्यादा मतलब खेल शुरू हो गया था वहां पर TIL में. और उसके बाद कोर्ट ने भी देखा कि दोनों तरफ अपनी अपनी बात कही जा रही है. तो एक अमाइकस क्यूरी जिनको बोला जाता है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, उनको अपॉइंट किया जाता है एक सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट राजू रामचंद्रन. और बाद में राजू रामचंद्रन को रिप्लेस किया जाता है विद एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव, जिनको कोर्ट ये कहती है कि आप भी अपनी बात रखेंगे और हम उसको संज्ञान में लेंगे जब हम इसको आगे बढ़ेंगे, हम इसमें कोई फैसला सुनाएंगे. अब एक तरफ पे पिटिशनर्स हैं RIT फाउंडेशन, खुशबू सैफी, ऑल इंडिया वुमेन डेमोक्रेटिक एसोसिएशन और इनकी पूरी लॉयर्स की टीम, फोरम फॉर मेन उसके अंदर भी एक NGO है, उनकी पूरी लॉयर्स की टीम. और रिस्पॉन्डेंट है यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, मेन वेलफेयर ट्रस्ट एंड हृदया. This is the fight which began in the court for the so-called marital rape law. और amicus curiae में ऐड कर दिए गए राजू रामचंद्रन. और बाद में अभी recently advocate रबेका जॉन है, उनको भी ऐड कर दिया गया कि आप भी कोर्ट को असिस्ट करेंगे. तो ये पूरा मामला आज की डेट में कोर्ट में चल रहा था और जनवरी से हम लोग देख रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया में. हर थोड़े दिन के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया हमारे पास आया. हालांकि अभी तक हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे थे क्योंकि मैटर सब्जुडिस था. तो हमने सबको यही कहा था कि जब तक ये आर्गुमेंट चल रहे हैं हम इसके बारे में कुछ मीडिया में नहीं बोलेंगे. बट बहुत सारे मीडिया का इसके ऊपर नजरें थी कि कोर्ट में क्या चल रहा है. आर्गुमेंट किए गए थे, जब फर्स्ट राउंड ऑफ आर्ग्यूमेंट किया गया था तो उसमें गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट किया था. उन्होंने कहा था कि ये कानून नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे पास 498A ऑलरेडी है. यूनियन ऑफ इंडिया ने आर्ग्यूमेंट किया था कि इससे जो हमारा जो सोसाइटी है, जो जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो संस्था है मैरिज की उसके ऊपर असर पड़ेगा, उन्होंने वो गलत स्टैंड लिया था. उसके बाद हमारे आर्गुमेंट हुए थे हृदय फाउंडेशन के और मेन वेलफेयर ट्रस्ट ने, क्योंकि काफी एक्सटेंसिव आर्गुमेंट थे. क्योंकि हमें मालूम था कि जितनी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, जितना पैशन हम लोग डाल रहे हैं, शायद ही कोई और डालेगा, बिकॉज ये कॉज जो है ये हम लोग दिल से कर रहे हैं. तो हम लोगों के जो आर्ग्यूमेंट थे काफी एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट थे, जिसमें कि हम लोगों ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस तरीके से ये जो कानून है अगर इस तरह से आता है तो वॉयलेशन होगी, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की थी. बाहर के देशों में किस तरह से कानून है जो कि इंडिया के कानून से अलग है, उनकी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी किस तरह से अलग है, ये सारे हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट किए थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो बेंच था वो कंटिन्यू नहीं हुआ. ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल जो थी उनका एलिवेशन हो गया, वो एलिवेट करके जम्मू एंड कश्मीर की चीफ जस्टिस बन गई थी. तो काफी समय तक ये वाला जो मुद्दा था ये ठंडे बस्ते में चला गया था और दोबारा से नया बेंच फॉर्म हुआ. और 2021 में जो नई बेंच बनी है ऑनरेबल जस्टिस रविशंकर और ऑनरेबल जस्टिस सी हरिशंकर की, इन्होंने ये मुद्दा दोबारा से लेना शुरू किया जनवरी में. 7 जनवरी को आई थिंक दूसरी डेट थी. उसके बाद हर रोज डेट्स पड़ी हैं और जिसमें कि आर्ग्यूमेंट्स किए गए RIT फाउंडेशन, AIDWA, खुशबू सैफी, फोरम फॉर मेन और जो दो अमेरिकन क्यूरी हैं एडवोकेट रबेका जोन्स एंड एडवोकेट राजशेखर राव, उन्होंने भी अपनी बात रखी. बहुत लोगों ने इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुना. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने भी आर्ग्यूमेंट दोबारा से किया. इस बार काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लिए थे गवर्नमेंट ने. ये भी कहा गया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि ये हाई कोर्ट के एम्बिट में नहीं आता है कि आप इस तरह का बदलाव कर सके. ये जो एम्बिट है ये लॉ मेकर्स का है, ये पार्लियामेंट का एम्बिट है. काफी स्ट्रॉन्ग दिल्ली गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट किए. यूनियन ऑफ इंडिया ने इसमें कहा कि क्योंकि ये कानून जब लाया जाएगा तो ये पूरे 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट करेगा, तो पूरे जितने भी प्रदेश हैं सबसे कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, जो समय उनको नहीं मिला. उसके बाद हृदया जो हमारी NGO है उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट हुए, मेन वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारी NGO है उनकी तरफ से पार्टी पर्सन आर्ग्यूमेंट हुए. कुछ समय बाद कुछ स्थिति ऐसी बनी कि मैन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम लोगों ने हमारे एक सीनियर एडवोकेट है, डू वी हैव इट, जे साईं, जे साईं जी को
उनको हम लोगों ने अपॉइंट किया और जेस आई दीपक एडवोकेट जो है उन्होंने हमारा पक्ष रखा, हमारे काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में रखे और इस तरीके से ये दोनों पक्ष की, अब देखिए यूनियन ऑफ इंडिया ज्यादा कुछ कह नहीं पाए, उनको समय नहीं मिला। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद यू टर्न ले लिया है और कह दिया कि अभी तक जो भी हमने एफिडेविट दिए, अभी तक जो भी हमने आर्ग्यूमेंट किए, हम उसको विड्रॉ करते हैं। इसकी क्या वजह है वही जानते हैं, क्या दबाव है वही जानते हैं, क्या इसमें पॉलिटिक्स है, क्या इसमें फेमिनिस्ट प्रेशर है, ये वही जानते हैं। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने इसमें से अपना पल्ला छुड़ा दिया है, उसने बैकआउट कर दिया है। अब ये जो पूरी फाइट है दैट इज बिटवीन द फेमिनिस्ट एनजीओस, आरआईटी फाउंडेशन, एआईडीडब्ल्यूए और खुशबू सैफी और इस तरह के तमाम जो लॉयर्स बैक और फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस तरह की एनजीओस, और दूसरी तरफ है मेन वेलफेयर ट्रस्ट और सेफ फैमिली और हृदया जो कि मेंस राइट्स एनजीओ है। जजमेंट रिजर्व कर दी गई है, दोनों पक्ष को रख दिया गया है और बहुत ही जल्दी हमारे को डेट बताई जाएगी कि ये कानून आए, मतलब इसकी जो जजमेंट की डेट हमें बताई जाएगी। तो हमारा तो ये कहना है कि इस बार इस पूरी फाइट में हम लोगों ने जी जान से अपनी मेहनत लगा के, अपना पैशन लगा के, अपनी रिसर्च लगा के कोशिश करी है कि कानून की जब बात हो तो पुरुषों का भी पक्ष रखा जाए, एक तरफा कानून ना बने या इस तरह के कानून ना बने जो कि जहां पर एक इनोसेंट आदमी को सिर्फ एक स्टेटमेंट के बिना पे रेपिस्ट का टैग लगा दिया जाए। हमने अपनी तरफ से पूरा इसमें मेहनत करी है, हमें नहीं पता कि इसके परिणाम क्या होंगे, क्या जजमेंट होगी। अगर यहाँ पर ऐसी कोई जजमेंट आती है तो सभी जानते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा, चाहे इस तरफ की जजमेंट आए या उस तरफ की जजमेंट आए, अल्टीमेटली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी फाइट रही है जो महिला एनजीओस और जो मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स, जितने भी एनजीओस ने हमें सपोर्ट किया है उनको मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारी वेबसाइट पे हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल है, अगर कोई देखना चाहे कि हमने क्या आर्ग्यूमेंट्स किए, क्योंकि कहा ये जा रहा है मीडिया में और हर जगह कि हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि कानून का दुरुपयोग होगा। नहीं, हमारा ये सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, हम मानते हैं कि इस कानून का बहुत दुरुपयोग होगा, इतना दुरुपयोग होगा कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ये दुरुपयोग का आर्ग्यूमेंट जो था वो शायद लिस्ट में लास्ट में था। हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर था, हमारा आर्ग्यूमेंट कंसेंट के ऊपर था कि किस तरीके से जो रेप लॉ में कंसेंट का जो आपने डेफिनेशन दी है वो एक पति पत्नी के ऊपर लागू नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। और हमारा आर्ग्यूमेंट था कि दूसरे देशों में किस तरह ये कानून को देखा जाता है, किस तरह से दूसरे देशों में इस चीज को हैंडल किया जाता है। तो हमारे बहुत ही एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट्स थे इसके अंदर, बहुत ही लॉफुल आर्ग्यूमेंट्स थे, बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट्स थे, इंक्लूडिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ मिसयूज एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट द सोसाइटी। ये सारे आर्ग्यूमेंट जो हमारे 14% थे या फिर एडवोकेट जे एस आई दीपक द्वारा किए गए, ये हमारी वेबसाइट manwelfaretrust.in के ऊपर अवेलेबल है। आप जाके देखिए, देखिए कि सच्चाई क्या है, देखिए कि किस तरह से कानून अगर इस तरह से एक तरफा बन जाते हैं तो उसकी क्या रिपरकशंस हो सकती हैं। सिर्फ जो आपको दिखाया जा रहा है उसका दूसरा पहलू भी है, उसको भी जानिए। इस पूरी प्रेजेंटेशन का मकसद यही था कि हर चीज के दूसरे पहलू होते हैं, एक पहलू तो बहुत मीडिया में चल रहा है लेकिन दूसरा पहलू की तरफ भी नजर मारिए कि ये क्या हो रहा है, और कल को ऐसा ना हो कि जैसे आज हमने स्वरूप के बारे में बात करी, अरविंद भारती के बारे में बात करी जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसे कानून आ जाए कि कल को इन्हीं नामों में हमारे भाइयों के, हमारे पिता के, हमारे वेल विशर्स के, हमारे दोस्तों के भी नाम हो, ऐसा ना हो। हम नहीं चाहते कि कोई भी इनोसेंट आदमी को विक्टिमाइज करके ऐसी सिचुएशन में ले दिया जाए कि जहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कानून नहीं है और उसको लगे कि मेरा जीवन खत्म है और वो सुसाइड तक पहुंच जाए। हमारी शुरू से यही कोशिश रही है कि हम मेल सुसाइड जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट कर सके, कानून के दुरुपयोग को रोक सके, कानून बनाने की प्रक्रिया में हम अपना योगदान दे सके। और ये जो कोशिश है, ये जो हमारी क्वेस्ट है, ये आगे तक जारी रहेगी। इसी के साथ एक बार और मैं सभी को, सभी वॉलंटियर्स को
धन्यवाद देना चाहूंगा, सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा 18 फाउंडेशन डे ऑफ मेंस राइट्स मूवमेंट ऑफ द सेविंग एंड फैमिली मूवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।